शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। On flight 113 to Thailand. Your secretary. Brilliant. She'll follow. Mr. and Mrs. Subramaniam. देखिए अगर वाया नागपुर कल दोपहर का फ्लाइट का सीट मिल जाए तो बहुत मेहरबानी थी। देखिए मिस्टर सुब्रमण्यम, आपका वेटिंग लिस्ट पे चौथा नंबर है। अगर कोई कैंसिलेशन हुआ तो हम आपको बता दें। आपका नंबर क्या है? 5412 3 4। देखिए जरा कोशिश करिए जी। अभी कोशिश करना तो हमारा काम है। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आई एम केपी बोजवानी सर। केपी कल मद्रास का मॉर्निंग फ्लाइट 8 मॉर्निंग। हाँ ये रहा। अरे शर्मा या इनकी एयर इंडिया की बुकिंग थी, यहाँ पे मैं करी। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। ये रहा एम्बेसी ट्रेवल्स रवि खन्ना टू सर्विस। जाना था, बहुत सारी चीजें नहीं थी। ये लो तुम्हारा फोन। मैंने तुझे डार्क ग्रे रंग दिया। अब माँ यही रंग मिला, इसी से काम चलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना है, तुझे ही तो पहनना है। चाय पी लो। चाय नहीं माँ, अब तो खाना खाऊंगा।
अरे हाँ, रास्ते में आते आते मैं बनिया से मिला था, पैसे उसके पास जमा कर दिए हैं, कल तक राशन आ जाएगा। ओहो, भूल गया मैं तो, ये रहा तुम्हारा चश्मा। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में पहन लूंगी। बाद में नहीं माँ, अभी पहनेंगे, देखे तो सही कैसे लगता है। ये दिखाई देता है रवि, ये चश्मा तो बड़ा महंगा लगता है। ओहो माँ, पैसे की चिंता छोड़ो, चश्मा पहनो और खाना खिलाओ बस। अरे बिल्ली ये क्या कर रहा है, सांस तोड़ देगा। अरे माँ रेनू कहाँ है, बहुत सारी जोक बुक्स और कॉमिक्स लाए उसके लिए। रेनू रेनू, अरे भाई कोई नया जोक पढ़ लिया क्या तुमने? पागल है बिल्कुल पागल। नहीं नहीं भैया, बहुत अच्छा जोक। अरे भाई हम भी तो सुने, हम भी तो हंसे, क्या जोक है भाई? एक आदमी था, उसने अपने पड़ोस से कहा कि मेरा घर का फ्यूज उड़ गया है, मेरे पास तार है, तो पड़ोसी पड़ोसी कहता है वाह वाह बहुत अच्छा जोक है। बका भैया बका, क्या शॉट मारा है? थैंक यू बिल्लू, वो तो खैर नेशनल शॉट था और ये रहा इंटरनेशनल शॉट। समझे, देखते जाइएगा, वो गोटी देख रहे हैं आप लोग, ये गई देखा? वेरी गुड स्ट्रोक भैया। अरे इसमें वेरी गुड की क्या बात है, गोटी तो सामने पड़ी थी वहाँ। देखो भैया हारे हो तो चिढ़ती है। हां वो तो चिढ़ती है। तुम चुप बैठो, एक नील गेम खाकर बैठे हो बड़े। अरे लेकिन अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए भैया? क्वीन। अरे हाँ क्वीन, लो क्वीन लो, तुम्हारा कवर तो है ही नहीं। कवर? अरे कवर भी हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। ये गई क्वीन। भैया कवर कवर कवर। नहीं नहीं भैया करो नहीं, ये गोटियाँ नहीं थी। अरे कैसे नहीं थी भाई? नहीं, मैंने बराबर देखा ना, तुम्हारे पास कवर था ही नहीं। अरे ये गोटी यहीं पड़ी हुई थी। मुझे याद है, नहीं थी। ओहो रेनू कैसी बात, तुमने गड़बड़ की अभी। अरे मैंने क्या किया, जबरदस्ती मैं खेलने नहीं दूंगी। रेनू तुम्हें गोटी मारो, गोटी स्प्रिट तुम्हें बिल्कुल नहीं, गोटी मारो। चलो भाई खाना लग गया, खाना लग गया, चलो भाई अभी वीडियो खाना लग गया, चलो चलो चलो। बहुत बेईमानी करने लगे हो भैया, मैं सच बोलती हूं। अच्छा बाबा वो गोटी वहां नहीं थी, बस मैंने क्वीन कवर लेके मेरी जान क्यों खा रही हो, ये लो खाना खाओ। वाह क्या खाना बना है। इसके अंदर क्या है मां? रायता। ओहो लवली, लाओ। सुन नीला के घर गया था? नीला के घर कैसे जाता मां, इतनी सारी शॉपिंग करनी थी, देर हो गई ना। अरे तुम नहीं गए, वो बेचारी कितनी बार बोल कर गई। अच्छा है, अब जाओ पता चलेगा। क्या पता चलेगा, देख लूंगा मैं। बस बस गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग नीला, ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मॉर्निंग वॉक के लिए बीच पे, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती ना डैडी, मैं चलूं। अरे सुनो तो, कल तुम कह गई थी कि रवि आने वाला है और मैं इंतजार करता रहा। उसका तो आप नाम मत लीजिए डैडी, मैं अब उससे कभी नहीं मिलने वाली। आई टेल यू आई हेट हिम। चलो फिर झगड़ा हो गया? नो 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 रवि। नीला आई एम सॉरी। नो प्लीज मुझे माफ कर दो। नो रवि मेरी बात तो सुनो नीला। तुम हमेशा यही कहते हो रवि, नो मोर। नीला प्लीज लास्ट टाइम, वन मोर चांस। No more chances, Ravi. Not for you. Bye. Neela. Neela. Please, Ravi. मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे कभी बात करना नहीं चाहती. Never, never, never. Neela. सुनो, Neela. No. Please, Neela. मुझे माफ कर दो. Neela. Neela. अरे बाबा, ऑफिस से आने में देर होगी. मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती. मेरे पीछे पीछे मत आओ, Ravi. मैं कहती हूँ, मेरे पीछे मत आओ. Neela. No, Ravi. Oh, प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था, तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायर सच कहता था, कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सोने घर को बसाना आसान है, आसान है, आसान है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल।
मुश्किल है। सकता है तोड़ के कोई जोड़ ले कोई खिलौना, जोड़ ले कोई खिलौना। इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना। उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। माफ करो ये गुस्सा छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, मैं हारा तुम जीती। तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती। सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल जाना आसान है, तेरी याद को भुलाना मुश्किल है, तेरी याद को भुलाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। ये रहा करिए। थैंक यू। माफ कीजिए भाई साहब, ये मेरा प्लेन में पहला सफर है। जब प्लेन ऊपर उड़ता है तो कोई घबराहट तो नहीं होती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी तो घबराहट होती होगी। नहीं साहब, इसमें घबराहट की क्या बात है। देखिए, आप बंबई में बैठे, प्लेन उड़ा, डेढ़ घंटे बाद मद्रास पहुंच गए। डेढ़ घंटे में मद्रास, काफी स्पीड होती तो फिर जरूर घबराहट होती होगी। हाँ जी हजूर, घबराहट हो तो कहीं भी दरवाजा खोल के उतर जाइए, घबराहट कम हो जाए। मगर भाई साहब, प्लेन तो काफी ऊपर उड़ता है। जी हाँ, ये कोई 25-30 हजार फुट। 25-30 हजार तो कैसा लगता होगा? लगता क्या है, घबराहट होती है। ऐसे थैंक यू। ये वेलकम। जय मा तुका, तुका तिनाशी मा, मा। आपका नाम रवि खन्ना है क्या? मैं इंस्पेक्टर खुराना हूँ, सीआईडी ब्रांच, और ये है कुलकर्णी। हेलो, हमें आपसे 10 मिनट के लिए बात करनी है। देखिए, इस समय तो मैं ड्यूटी पर हूँ, 10 मिनट बाद हमारा लंच ब्रेक होगा। अगर आप साथ वाले कमरे में इंतजार करें तो मैं लंच ब्रेक होते ही आपसे मिलता हूँ। Oh, yes, it's all right. मिस्टर रवि, हम आपसे लेट सुरेंद्र सिन्हा के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं। लेकिन साहब, इसके बारे में मैं जो कुछ जानता था
पुलिस को 6 महीने पहले बता चुका हूँ। जी हाँ, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा है, लेकिन चूंकि अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए दोबारा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। मैं उस रात नाइट ड्यूटी पर था जब मैं पहली और आखिरी बार सुरेंद्र सिन्हा से मिला। तेज बारिश पड़ रही थी, मैं ऑफिस छोड़कर जाने ही वाला था कि दरवाजा खुला और मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा अंदर आए। दिल्ली के नाइट क्लब की सीट बुक की थी मैंने। आपका नाम सर? सुरेंद्र सिन्हा। बारिश में कहाँ टैक्सी मिलेगी तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? जी अब मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक यू सर। बस यहाँ रुको। थैंक यू वेरी मच। यहाँ उतरोगे? यहाँ। अच्छा। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। बाद मुझे पुलिस से मालूम पड़ा कि उसी रात मिस्टर सिन्हा को कुछ लोग गायब कर ले गए हैं और उन्हीं बदमाशों ने उनके छोटे भाई मिस्टर नरेंद्र सिन्हा से उन्हें छुड़ाने की कीमत 5 लाख रुपए मांगी है। जी हाँ, और अपने भाई को बचाने के लिए नरेंद्र सिन्हा ये रकम देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उसके बाद ना उन बदमाशों ने नरेंद्र सिन्हा को कॉन्टेक्ट किया और ना सुरेंद्र सिन्हा का कुछ पता चला। एनीवे, मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। अरे ये सब तो मैं पुलिस फाइल में भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक अजीब बात है कि 6 महीने पहले ना आपसे किसी ने पूछा और ना आपने बताया कि सुरेंद्र सिन्हा की गाड़ी से उतरने के बाद आप कहाँ गए थे। कहाँ गया था? देखिए, अब ये तो 6 महीने पुरानी बात हो गई है, याद करना जरा। याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है मिस्टर रवि। जी हाँ, 6 महीने की कोशिश के बावजूद मिस्टर सिन्हा तो नहीं मिले, लेकिन एक गटर से उनकी लाश मिल गई है। माय गॉड, इसका मतलब है कि जिस रात मिस्टर सिन्हा आपको मिले उसी रात उनका खून भी हुआ है। आपने आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मिस्टर सिन्हा का खून मैंने किया है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जाहिर है कि जो लोग मिस्टर सिन्हा को जबरदस्ती उठा के ले गए, मेरा मतलब है जिन्होंने मिस्टर सिन्हा को किडनैप किया, जिन्होंने रुपए की खातिर मिस्टर सिन्हा के भाई को चिट्ठी लिखी, उन्होंने मिस्टर सिन्हा का खून भी किया है। अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? आप कम से कम अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि उस रात मिस्टर सिन्हा की गाड़ी से उतरने के बाद आप कहाँ गए थे। मैं कहाँ गया था जरा सोचना पड़ेगा। मैं गाड़ी से उतरा, उतरने के बाद कहाँ गया मैं? हाँ, याद आ गया। हेलो रवि, आओ आओ आओ। भाई अंदर नहीं आऊंगा टक्कर। क्या है, आज ट्यूसडे था, तुम्हारे 200 रुपए वापस करने थे इसलिए चला आया।
यानी इस बारिश में तैरते हुए आप मुझे 200 रुपए वापस करने आए? कल देते तो कुछ फर्क पड़ जाता? भाई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वादा ट्यूजडे का था इसलिए मैंने सोचा मैं चलाऊं। अच्छा अच्छा बहुत इंप्रेस हो गए, अंदर आओ। नहीं अंदर नहीं आऊंगा, क्या है आधे घंटे में वो मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, माँ के लिए दवा खरीदनी है ना, फिर कभी आऊंगा। ओके बाय बाय। हाँ साहब कितना हुआ इसका? 25 रुपए साहब। 25 रुपए? क्या बारिश हो रही है साहब। हाँ चलिए अच्छा है, ये कंबख्त पावर कट का चक्कर भी दूर हो जाएगा, ये लीजिए। साहब एक चक्कर खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। ठीक कहा आपने। और उसके बाद मैंने एक टैक्सी पकड़ी और घर चला गया। वेल थैंक यू मिस्टर रवि, हमने आपका बहुत बकाया किया। इंस्पेक्टर साहब अगर मुझे मालूम होता कि श्री सुरेंद्र सिन्हा की गाड़ी में 2 मिनट बैठ जाने से मुझे इतनी मुसीबत उठानी पड़ेगी तो शायद आप उस गाड़ी में कभी नहीं बैठते। लेकिन मुश्किल यही है मिस्टर रवि के क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता। वेल गुड डे। गुड डे सर। गुड डे। गुड डे। ऑपरेटर Get me 292835, please. Hello. हाँ शीला मैं रवि बोल रहा हूँ। हेलो रवि बाबू। राणे साहब हैं? राणे साहब को तो आज कोर्ट जाना था, किसी केस की हियरिंग थी इसलिए आज ऑफिस नहीं आए। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तो शाम को जिमखाना में मिल लीजिए। ओके थैंक यू। अजीब बेवकूफ है, मरना है तो कहीं और जाके मर, हमें क्यों फंसाता है? चलो ड्राइवर। हाय रवि। हाय। एक्सक्यूज मी मिस्टर कृष्णन। यस। आप मेरी जगह खेलेंगे? ओह थैंक यू सर। सॉरी मिस्टर बेलानी। कम रवि और कैसे आना हुआ यार? यार तुमसे कुछ बात करनी है। तुम एक काम करो, बस थोड़ी देर लाइन में बैठो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। और जब तो तुम चाय वाय का ऑर्डर देना, ट्राई टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। चलो चलो। क्या एक्सक्यूज मी May I have a light? Yeah, sure. Thank you very much. Abhay, chalo, chalo. Yes, sir. Ek Coca-Cola lana. Okay, sir. Arre, chalo, chalo. Tum kya kheloge mere samne hi yaar. Bas. सुलक्षणा ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी मीटिंग हो रही है, तुम तो कह रहे थे मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, हैं? ये मीटिंग हो रही है? अरे लोग देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं इन लोगों को भी तो पता चले कि मैंने किस थर्ड क्लास आदमी से शादी की है। देखो मेरे पास, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं सब समझती हूँ। तुम घर आओ मैं तुम्हें देखती हूँ। सुलक्षणा तुम जरा सी बात का वक्तंगड़ बना रही हो, मेरी बात सुनो। ये होता है करोड़पति औरत से शादी करने का अंजाम। कमाल है यार, कौन है ये लोग? जेरू के गुलाम का नाम है महीपत राय, एक जमाने में अपनी बीवी का बिजनेस मैनेजर हुआ करता था। भाई ने चक्कर चला के शादी कर डाली, लेकिन इतने बरस हो गए, मैनेजर ज्यादा है हस्बैंड कम। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं, एक बार भरी पार्टी में महीपत राय साहब को बीवी ने थप्पड़ जड़ दिया और ये भाई पालतू जानवर की तरह खड़े रहे। लानत है यार। छोड़ यार। अच्छा ये बता तुम्हें क्या कहना है? हाँ राणे,
तुम्हें तो याद होगा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वही सुरेन सिन्हा वाला किस्सा। हाँ हाँ, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया था। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? जी प्रॉब्लम यह है कि आज फिर दो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए थे। अच्छा, लेकिन क्यों? बहुत कमाल हो गया। इसलिए कि पुलिस ने इतना जबरदस्त छापा मारा कि सारे लोग सड़क पर जमा होके बूम चिल्ला। इसलिए कि मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा की बॉडी मिल गई है। हाँ, जो लोग उन्हें उठा के ले गए थे शायद उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। ओह आई सी, लेकिन वो लोग तुमसे क्या पूछ रहे थे? अरे भाई क्या पूछ रहे थे, यही कि सुरेंद्र सिन्हा की गाड़ी में बैठ के तुम कहाँ तक गए, उसके बाद किससे मिलने गए। वो तो कहो मुझे सब याद आ गया, वरना वो लोग पकड़ के मुझे ले जाते और कहते तुम्हें मर्डर किया है। पर तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि तुमने? हाँ हाँ यार, ठक्कर साहब के यहाँ से मैं मेडिकल स्टोर गया, मेडिकल स्टोर के बाद मैं घर गया, और कहाँ गया। पर इसमें इतने नर्वस होने की जरूरत क्या है, कुछ होने वाला तो है नहीं। यू जस्ट रिलैक्स। यार तुम्हें मजाक सूझ रही है, यहाँ इतना टेंशन हो गया था कि रास्ते में चक्कर आ गए थे। देख भाई, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, कहीं मुझे पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए तो मैं तो कहीं। अरे भाई, हम जैसे वकीलों से फिर किस दिन के लिए दोस्ती है? वैसे तो तुम्हें कुछ होगा नहीं, अगर हो गया तो तुम्हारा एक केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा इस बात की इंक्वायरी करेगी कि जहां मिस्टर रवि कहते हैं वो वहां गए थे कि नहीं गए थे। पता चलेगा कि वहां गए थे और मामला ही खत्म हो जाएगा। हैं, कम ऑन। भैया, भैया ये क्या कर रही हो, इसमें तुम्हारा कोई जोक वोक नहीं छपा? अरे बाबा जोक नहीं, आज महाराष्ट्र स्टेट लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला, इसीलिए बताता है वो। आप लोग तभी पता चलेगा जब रेनू को फर्स्ट प्राइज मिलेगा और 2.5 लाख रुपए बैंक में रखे होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बैंक में क्यों रखूंगी? चलो बैंक में नहीं, घर में रख लेना, ऐसी क्या बात। अरे मगर मैं रखूंगी क्यों, मैं तो खर्च कर दूंगी ना भैया। अरे 2.5 लाख रुपए खर्च कर दूंगी? भाई देखो रेनू, पैसे तुम्हारे हैं तुम ही जानो, लेकिन इतनी सारी दौलत खर्च कर देना भी बहुत बुरी बात है। बस तुम हो गए ना शुरू। अरे पहले ये तो देखो कि मुझे क्या क्या करना है। अरे भाई क्या क्या करना है? देखो, सबसे पहले तुम्हें कमरा ऐसा बनाऊंगी भैया जिसमें दुनिया भर के जो बुक्स और लाखों हजारों कॉमिक्स होंगे। चलो 10-15 हजार का खर्चा हो गया। फिर तुम्हारे लिए एक गाड़ी लेनी है। भाई गाड़ी तो मैं सेकंड हैंड भी ले सकता हूँ। नहीं भाई, नहीं लो। नई गाड़ी? थैंक यू सो मच रीना। ये 2.5 लाख रुपया तुम दोनों आपस में ही बांट लोगे या मेरे लिए भी कुछ लिया जाएगा? हाँ तो बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो सारा क्रिकेट का सामान चाहिए, पूरी टीम के लिए। अच्छा ठीक है। ओह, असल प्रॉब्लम तो आप लोग समझ ही नहीं रहे। क्या प्रॉब्लम? ये है कि लाख रुपए अभी खर्च नहीं हुए और लॉटरी है 2.5 लाख रुपए। ओहो, तुम पहले सुनो तो सही भैया। हाँ बोलो। फिर मैं एक माली रखकर ये पूरा गार्डन बनाऊंगी बाहर। वाह। और बीच में एक पॉन्ड जिसमें रंगीन मछलियां तैरती होंगी, लाल पीली ग्रीन पिंक, मुझे पानी में तैरती मछलियां बहुत अच्छी लगती है भैया। जी चाहता है देखते रहो, इतनी ग्रेसफुल जाती है ना यू। और हाँ, फिर वो सारी जगह देखने जाएंगे जो हमने नहीं देखी, जैसे ताजमहल, लाल किला, अजंता, एलोरा, कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग और दार्जिलिंग। कौन बोला था माँ, मगर सनराइज बहुत खूबसूरत होता है। जब बर्फ की पहाड़ी के पीछे से सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है सारा बर्फ सोना बन गई है। वहाँ तो जरूर जाएंगे भैया, जाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों माँ, जाएंगे ना? हाँ माँ, बर्फ की पहाड़ियों पर भी जाएंगे। हाँ हाँ वहाँ भी जाएंगे, और वो दूर दूर तक सफेद, बिल्कुल दूर जैसी बर्फ, और आसमान से बातें करते हुए वो ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां, कितना मजा आएगा। और वहां से बर्फ से घूमते फिसलते गिरते भागते हुए तुम कैसे जाओगी, तुम तो चल ही नहीं सकती। लेकिन दीदी। अरे तो क्या हुआ, मैं तुझे ले जाऊंगा वहां, अपने हाथों में उठा के ले जाऊंगा। ये लो माँ, इतनी बहादुर लड़की और जरा सी बात पे रोने लग गई। चलो हंसो 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 हंस दो भाई, हंस दो भाई, हंस दो, नहीं तो हंसी आती है। ये देखो, ये हंसी चली हाथ से, ये चली आई कोहनी पर,
ये चढ़ी कंधों पर, कंधों से होते हुए गर्दन पे गई और गर्दन से कानों पे होते हुए होठों पे आई 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 ये आई। अरे ये तो हंसी नहीं। अच्छा देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी, गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी, रात जैसे गुजर गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। से कहा एक दिन, खेल कांटों से कलियां पिरोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। साहब इसके साथ आपको ऑक्सीजन पाइप भी चाहिए? अगर चाहिए तो दे दीजिए। वैसे मछलियों के बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना मछलियाँ मेरे बारे में जानती हैं। साहब ऑक्सीजन पाइप से आपको पानी ज्यादा दिनों बाद बदलना पड़ेगा और साथ ही साथ मछलियों की उम्र भी बढ़ जाती है, और साहब मैं आपसे ज्यादा चार्ज थोड़े करूंगा, कुल मिलाकर 52 रुपए बनते हैं। हाँ तो साहब बना दूं? हाँ बना दीजिए। अच्छा वैसे आप तो स्पेशलिस्ट हैं जी, ये बताइए कि इनमें नर कौन है और मादा कौन है? अजी साहब सीधी सी तो बात है, जो तैर रही हैं वो मादा हैं और जो तैर रहे हैं वो नर हैं। अच्छा जी ये लीजिए 52 रुपए। थैंक यू सर।
टैक्सी ओ ये तकलीफ है तुम्हें? यूं तो डॉक्टर साहब काफी दिनों से कभी कभी मामूली से सर दर्द रहा है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इधर कुछ दिनों से अब समझिए मैं अच्छा खासा चला जा रहा हूं। अचानक ऐसे लगता है जैसे सर में बम फूट गया, ऐसा लगता है जैसे बीच से सर फट जाएगा, और दो मिनट बाद एकदम ठीक हो जाता हूं जैसे कुछ हुआ नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। आई सी। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो दो मिनट है इसमें इतना दर्द होता है ऐसा लगता है कि दम निकल जाए। क्या बजा कितना? क्यों कहीं जाना है? हाँ 6 बजे जरा। रवि हाउ स्वीट। थैंक यू। क्या थैंक यू, तुम्हें नहीं कह रही, उधर देखो। वाह साहब क्या बात है, इस उम्र में भी सैर सपाटे हो रहे हैं। इसे कहते हैं जिंदा दिल। और एक तुम हो, देख लेना बूढ़े होकर इतने जक्की और चिड़चिड़े हो जाओगे कि छोटे छोटे बच्चे पीछे डुगडुगी लेकर घूमेंगे। साहब जरा बूढ़ा होने दीजिए फिर देखिए। अच्छा, हिंदुस्तान भर में मेरे जैसा बूढ़ा तो कहीं नहीं मिला। अरे भाई तब तक रिटायर हो चुके होंगे, आराम की जिंदगी होगी। सुबह उठे, गार्डनिंग की, पौधों में पानी डाला, थोड़ा सा माली को डांटा, उसके बाद एक हल्का फुल्का लंच और सो गए। शाम को उठे तो समुद्र के किनारे सैर करने निकले, हाथ में छड़ी पकड़ी और तुम चलोगे? अच्छा जाने दो, फिर मैं अकेले ही चला जाता हूँ। वहां से वापस आए और फिर ठीक है 50 साल के बाद का प्रोग्राम बाद में बनाना, पहले ये कहो कल का प्रोग्राम याद है या भूल गए? अजी कल का प्रोग्राम भी याद है और आज का प्रोग्राम भी याद है, इसलिए फौरन आप चल पड़िए क्योंकि मुझे कहीं जाना है। वेरा फिर कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं। ओके कितने बजे? ये कोई 8:30 बजे। ओके ओके बाय बाय। सिद्धि मुझे डॉक्टर शाह से मिलना था, मेरा 6 बजे का अपॉइंटमेंट था। आप मिस्टर रवि हैं? जी हाँ। डॉक्टर साहब आप ही का वेट कर रहे हैं, प्लीज गो इन। थैंक यू। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। आगे हमारा 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, ये देखिए इसे कहते हैं वक्त की पाबंदी। और सुनाइए कैसे हैं आप? आई एम फाइन थैंक यू। अब ये बताइए कि मैं कैसा? इतनी जल्दी क्या है, चाय या कॉफी पियोगे? जी नहीं डॉक्टर साहब, वो हमारी एक्सरे रिपोर्ट आ गई। हाँ, ये तुम्हारी एक्सरे प्लेट। वेरी गुड।
डॉक्टर साहब मैं तो डर रहा था कहीं सर खाली ना निकले। चलिए कुछ तो दिखाई दिया अंदर। रवि मेरा ख्याल है तुम ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन? ये क्या कह रहे हैं आप? एक मामूली से सरदर्द के लिए ऑपरेशन? रवि रवि तुम जिसे एक मामूली सा सरदर्द समझ रहे हो वो लेकिन इसमें क्या है? आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब मुझे बीमारी क्या है? तुम ठीक हो सकते हो रवि। मुझे क्या बीमारी है डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूं। अपने सर के इस हिस्से में ये स्पॉट देख रहे हो? इसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर? रवि ये एक तरह का फोड़ा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने? और अगर ये ट्यूमर फट गया डॉक्टर साहब तो क्या होगा? तुम्हारे सर पर अगर बम फट जाए तो क्या होगा? रवि ये ट्यूमर एक खतरनाक बम है जिसे तुम अपने शरीर में लिए हुए घूम रहे हो। लेकिन ये 6 महीने डॉक्टर साहब आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये 6 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपको कोई गलती हो रही है। मेरी तो अभी कोई उम्र भी नहीं हुई। अच्छा खासा हेल्दी आदमी हूं। पहले कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। जरा से सरदर्द हुआ और आपने कह दिया कि डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि एक्सरे प्लेट किसी और की हो बदल गई हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक्सरे मशीन में कोई खराबी हो? ऐसा तो हो सकता है ना कि गलती से? मुझे अफसोस है कि ऐसी कोई गलती नहीं हुई। कोई गलती नहीं हुई? डॉक्टर साहब प्लीज आप जानते नहीं मेरी माँ है एक अपाहिज बहन एक छोटा भाई है जो पढ़ता है मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं डॉक्टर साहब मैं मुझे मरने का कोई हक नहीं। सॉरी सिर्फ 6 महीने इसका कोई इलाज नहीं डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि ऑपरेशन ऑपरेशन हो सकता है तो कीजिए डॉक्टर साहब मैं तैयार हूं जैसा भी ऑपरेशन होगा मैं करवाऊंगा उसे। रवि ये बात इतनी सिंपल नहीं है। देखो तुम एक समझदार पढ़े लिखे नौजवान हो मैं तुम्हें किसी तरह के धोखे में रखना नहीं चाहता। ब्रेन इंसानी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में साइंस आज भी बहुत कम जानती है। ये ऑपरेशन तुम्हें जिंदगी दे सकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम अंधे हो जाओ या पागल हो जाओ या तुम्हारे हाथ पैर हमेशा के लिए बेकार हो जाए। मैं कह नहीं सकता कि इस ऑपरेशन का तुम पर क्या असर होगा। अंधा या पागल हो जाओ हो सकता है कि ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हो और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। रवि मैं तुम मशवरा दूंगा कि मैं ऑपरेशन करा लूं। तुम समझते क्यों नहीं ये ऑपरेशन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल सकती है। कौन सी जिंदगी डॉक्टर साहब? एक अपाहिज की जो अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता सिर्फ एक बोझ एक मुसीबत बन सकता। रवि अगर तुमने ये ऑपरेशन नहीं करवाया। मैं सुन चुका हूं डॉक्टर साहब मैं जानता हूं मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं लेकिन तुम्हें जल्दी कोई फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? फैसला एक तरफ मौत है दूसरी तरफ मौत से बदतर जिंदगी। मुझे सोचने का वक्त चाहिए डॉक्टर साहब। तुझे याद किया और तूने घंटी बजा दी। बहुत बहुत बड़ी उम्र है 100 साल जी। देख बेटी
मैंने तेरा स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। मैं तो चींटी के चाल से बुनती हूँ। 4-5 महीने में सर्दियां आ जाएगी, तब तक ये खत्म हो जाएगा। चल बेटे मुंह हाथ धो ले। भैया भैया मैं आज तुमसे बिल्लू की शिकायत करने वाली हूँ। अरे मैंने क्या किया? जबरदस्ती। इसने होमवर्क बिल्कुल नहीं किया और जब से स्कूल से आया है बस यही कर रहे थे। तो क्या हुआ? ये भी तो होमवर्क है। मैं बड़ा होकर इंजीनियर होने वाला हूँ और भैया ने मुझे कहा कि वो मुझे अमेरिका भेज रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए। ये जाएंगे अमेरिका बड़े। भेजेंगे ना भैया? आज बनिया रेशन डाल गया। तोबा, एक एक चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। गेहूँ चावल की जगह आदमी हीरे मोती खाए तो सस्ती। मैं तो कहती हूँ मेरा बेटा कमाओ पोत रहे, हमारा तो बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते होंगे जिनका कोई नहीं? क्या होता होगा बेचारा होगा। क्यों रे आज तो इतना चुप क्यों है? भैया जरा डांटो ना, अभी तक वही करा दे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? यू माइंड योर ओन बिजनेस। ओहो थका थका या ऑफिस से आता है, आते ही सर पे ढोलता से शुरू। जा अंदर जाओ, ये फिर बोलते ही जाएंगे बोलते ही जाएंगे। बेटा तू जाकर नहा ले, तुझे नीला की पार्टी में जाना है ना। राधे कम ऑन रोलिंग फॉर इट। कमॉन रवि बी अ स्पोर्ट। देखो ना सब लोग कह रहे हैं गाड़ो ना प्लीज। प्लीज नीला आज मैं कुछ। अच्छा मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। या तो कहोगे कि आज गला ठीक नहीं है या मूड ठीक नहीं है या फिर गा देता है लेकिन कौन सा गीत कौन सा गाना गाऊं कुछ समझ में नहीं आता। हम आपका बहाना नहीं गाना सुनना चाहते हैं। सो कम ऑन प्लीज। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है आदमी जो लेता है जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। प्यार के रिश्ते टूटे तो प्यार के रास्ते छूटे तो रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है। कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम
बदल जाए। प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। किस्मत ही खराब है तुम्हारी यार। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो जो है ना पुराना डायलॉग, ये पूछो क्या नहीं हुआ, आज का अखबार पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा। पढ़ा भी होता तो क्या कर लेते मुन्ना, लॉटरी हाथ से निकल गई, तुम बाल बाल बच गए अमीर होने से। क्या मतलब? अरे यार वो था ना सुरेंद्र सिन्हा, जिसकी गाड़ी में बैठ के तुम मुसीबत में फंस गए थे। हाँ, उसका तो किसी ने खून कर दिया था। और उसके खूनी को पकड़ने का नाम जानते हो? 5 लाख रुपए का। 5 लाख? जी हाँ। उसके भाई नरेंद्र सिन्हा ने पुलिस को बयान दिया है कि जो 5 लाख में अपने भाई के किडनैप करने वालों को देने के लिए तैयार था, वही 5 लाख में उस आदमी को दूंगा जो मेरे भाई के खूनी को पकड़वा दे। बेटा, अगर तुम उस दिन सिन्हा की गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए चले गए होते और उसके खूनी को देख लिया होता, तो आज तुम्हारी बैंक में 5000 और एक और 0 होता। मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात करना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। यस, इंस्पेक्टर खुराना स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा का खूनी कौन है। मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि मिस्टर सिन्हा का खूनी कौन है, पूरे सबूत के साथ। बताइए कौन है। ये जानने के लिए आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्तें? कहिए, कुछ पता चला? इसी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करने आया था। आज मुझे एक अजीब टेलीफोन आया। टेलीफोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसका यह कहना है
कि वो आपके भाई के खूनी को पकड़वा सकता है। तो फिर देर किस बात की है? ये इंफॉर्मेशन देने के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। मैं उसे 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मुश्किल ये है कि वो ये रुपए लेने के लिए हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि ये 5 लाख रुपए उसके बताए हुए वकील के पास आप रखवा दें। उसी वकील के पास वो एक बंद सील लिफाफा रखवा देगा। उसके बाद वो हमें खूनी का नाम सबूत के साथ टेलीफोन पर बताएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये नहीं समझ सका। मेरा मतलब है कि वो आदमी टेलीफोन करने के बजाय खुद सामने आकर खूनी का नाम बता देता और सबूत दे देता, उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता। यही सारे काम वो घुमा फिरा के क्यों कर रहा है? इसकी दो वजह हो सकती हैं नरेंद्र साहब। या तो ये आदमी कुछ नहीं जानता और हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और या वो सब कुछ जानता है मगर खूनी या खूनी के साथियों की डर की वजह से अपने आप को हमारे सामने नहीं लाना चाहता। I see. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें इस टेलीफोन की बात को मजाक समझ कर नहीं टालना चाहिए। शायद वो जानता है, शायद वो भाई साहब के खूनी का पता बता दे। शायद इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके बताए हुए वकील के पास 5 लाख रुपए रखने को तैयार हूँ। अगर वो भाई साहब के खूनी का पता बता सकता है तो मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। थैंक यू। पुलिस आज ही आपके पास ये 5 लाख रुपए रखा देगी। दो एक दिन में मुजरिम गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन ये बंद लिफाफा जो मैं अपने खत के साथ भेज रहा हूँ, वो खूनी को उसकी सजा मिलने के बाद खोलिएगा। इसमें जिसका भी नाम हो उसे ये 5 लाख रुपए आप अपनी फीस काट कर दे दीजिएगा। इस काम के लिए आपकी फीस आपकी मर्जी पर है, इसलिए कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और इस खत के साथ ये लिफाफा भी था। खत के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा? कोई नाम नहीं लिखा, क्योंकि आजकल इन गुमनाम खतों के नीचे काला बिच्छू या आपका नकाबपोश लुटेरा लिखना तो आउट ऑफ फैशन हो गया। किसी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? हेलो, यस, ठीक है, आप अभी आ जाइएगा। किसका फोन? पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर खुराना बोल रहा था। ये मेरे पास अभी 5 लाख रुपए रखवाने आ रहा है। ऐसा करो, इसे एहतियात से सेफ में रख दो। यस। बड़ी अजीब बात है। Thank you.
दस तो बच गए। हेलो, मैं कुरान बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हमने 5 लाख रुपए आपके बताए हुए सॉलिसिटर पी वाई राणे के पास रखवा दिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि मुजरिम कौन है, किस तरह उसने मिस्टर सिन्हा को किडनैप किया, कहाँ उन्हें जबरदस्ती छुपा के रखा और किस तरह उनका खून कर दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि खूनी का नाम क्या है। खूनी का नाम? हेलो हेलो। हाँ, खूनी का नाम है रवि खन्ना, और अब मैं आपको बताता हूँ उसने ये खून कैसे और कहाँ किया। हेलो कुलकर्णी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कुछ मिला? जी हाँ, बहुत से प्रिंट्स मिले हैं, जर्सी के टुकड़े मिले हैं। मेरा ख्याल है शायद इस खंबे से मिस्टर सिन्हा को बांधा गया होगा। और कुछ? एक जली हुई शर्ट मिली, मेरा ख्याल है वो खूनी की होगी। कॉलर पे अगर लॉन्ड्री के निशान हैं तो उन्हें भी चेक कर लें। राइट सर। सर, ये है सिगरेट बर्ड्स और ये है आयरन रॉड। मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा की डेथ सर पर चोट लगने से हुई, हो सकता है ये वो हथियार हो। व्हाई नॉट, हो सकता है। गुरुवर जी, इसे भी फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। राइट, मैं पहले पूरी तरह से यकीन कर लेना चाहता हूँ। मिस्टर रवि खन्ना, हेलो इंस्पेक्टर खुराना। हेलो, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपको एक मामूली सी तकलीफ देनी है, जरा इधर आइए। दरअसल हमें एक आदमी पे शक है, जिस रात आपकी मिस्टर सिन्हा से मुलाकात हुई इस आदमी को कहीं आपने आसपास देखा था? जी नहीं। ओह, अच्छा, माफ कीजिएगा, आपका वक्त जाया किया। जी बिल्कुल नहीं। बाय बाय बाय। राणा साहब, ये फिंगरप्रिंट्स और इस लोहे की सलाख पर मिलने वाले उंगलियों के निशान एक ही आदमी के हैं। आप यकीन के साथ कह सकते हैं? यस, 100%। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूं। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा भैया, बाय बाय। टाटा भैया। बाय बाय रेनू। गुड बाय बिल्लू। ये झूठ है, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच, सच ये है सर कि मैं मिस्टर सिन्हा का खून नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए हासिल करना चाहता था। हाँ, मैं उन्हें जबरदस्ती उस टूटे हुए मकान में ले गया और वहां मैंने उन्हें एक खंबे से रस्सियों से बांधा। मैंने ही उनके भाई को पैसों के लिए खत लिखा, लेकिन जब मैं वो खत पोस्ट करके वापस आया तो मैंने देखा मिस्टर सिन्हा उन रस्सियों को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उन्हें रोकने के लिए सलाख से उन्हें मारा सर, लेकिन मैं उनका खून नहीं करना चाहता था सर। और उसके बाद मुल्जिम ने मिस्टर सिन्हा की लाश को गटर में फेंक दिया और 6 महीने तक पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। मुझे पूरा यकीन है ऐसे चालाक और खतरनाक मुल्जिम को अदालत उसके जुर्म की पुरसा देगी। गवाहों के बयानात, हालात मुकदमा और खुद मुल्जिम के इकबाल जुर्म को पेश नजर रखते हुए
یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم نے مقتول سریندر سنہا کا قتل ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت کیا تھا، لہذا بثبوت جرم دفعہ 302 تعزیرات ہند، عدالت ملزم روی کھنہ کو سزا موت کا حکم دیتی ہے۔ نیلا، جی ڈیڈی، بیٹی مشکل یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی تسلی بھی نہیں دے سکتا، یہ بات تو اس نے خود مان لی ہے کہ یہ جرم اس نے کیا، پھر بھی تم اس کے لیے، ہاں ڈیڈی، روی کے جرم کو میں ٹھیک نہیں کہتی، لیکن اس کی سزا بھی تو غلط ہے، پھانسی کی سزا دے کر ہم انصاف نہیں کرتے، بدلہ لیتے ہیں۔ نمستے۔ نمستے، بیٹھیے، کہیے کچھ کام تھا مجھ سے آپ کو؟ سینا صاحب، میں روی کی ماں ہوں۔ جانتا ہوں، کئی بار آپ کو عدالت میں دیکھا۔ مجھے آپ کے گھر آنے کا ادھیکار تو نہیں تھا، پر کیا کروں، ماں ہوں نا۔ سینا صاحب، میرے بیٹے کو پھانسی لگ جانے سے آپ کو اپنے بھائی تو واپس نہیں مل جائیں گے۔ میں مرسی اپیل کرنا چاہتی ہوں، اگر اس کے اوپر آپ کے بھی سائن ہو جائے تو پھانسی کی سزا عمر قید میں بدل سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ ماں جی، یہ آپ کی بیٹی ہے نا؟ جی۔ اور یہ؟ چھوٹا بیٹا۔ آپ کے دو بیٹے ہیں ماں جی، مگر میرا تو ایک ہی بھائی تھا۔ کون پوچھے گا، اب تو بھیا بھی نہیں ہے۔ دیکھا پھولوں کو پاٹوں پہ سوتے
सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। Oh,
ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। गुड। हाउ इज ही? अभी तो अनकॉन्शियस है। मेरा ख्याल है उसे कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। ठीक है मिस्टर खुराना, जिस दिन ये केस किसी मेडिकल जर्नल में छपेगा लोग यकीन नहीं करेंगे। कौन कहता है कि 20वीं सदी में मिरेकल्स नहीं होते? बंबई में अनगिनत हॉस्पिटल्स हैं, हजारों डॉक्टर हैं, और कैसा अजीब इत्तेफाक है कि आप इसे इस अस्पताल में मेरे पास लाए। अगर किसी और जगह ले जाते तो शायद अब तक मर चुका होगा। लेकिन आपने इसे बचा कैसे लिया? ये इलाज के लिए पहले मेरे पास आया था। ओ, मुझे मालूम था कि इसे क्या बीमारी है। इसकी एक्सरे रिपोर्ट मेरे पास। मिस्टर खुराना, सब बातें अपनी जगह, जिसे वो बचाना चाहे वो तो ठीक है। देखिए मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जिस दिन बहुत खुश होता हूं एक सिगरेट जरूर पीता हूं। सिगरेट मिलाइए। थैंक यू। आई से इज अ वेरी लकी मैन, बहुत दिन जिएगा। आई एम सॉरी डॉक्टर, वो बहुत दिनों तक नहीं जिएगा। व्हाई नॉट? तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे फांसी की सजा हो चुकी है। ओह, आई सी। रवि, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए। क्या बात है? मुझे भी पता नहीं, जैसे मैसेज मिला मैं चली आई। ओह आई सी। लेकिन पहले रवि से मिलने की परमिशन लेनी? वो मेरे पास है, आप चलिए ना। ओह दैट्स गुड। एक्सक्यूज मी। यस, हमें मिस रवि से मिलना है, उसके मिलने की परमिशन भी हमारे साथ है। जाइए, मगर ज्यादा देर मत लगाइएगा, डॉक्टर साहब ऑब्जेक्शन करते हैं। थैंक यू। सुनो, जेल अथॉरिटीज को फोन कर दो, इसे कल शिफ्ट करने की इजाजत मिल गई है। चलो अच्छा हुआ, यहाँ बैठे की ड्यूटी से तो बोर होगा जान। हाँ यार, 3 महीने हो गए, 3 months। लेकिन क्यों, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो पागलपन है रवि। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था लीला। मैंने सोचा मैं मर तो रहा ही हूँ, क्यों ना फांसी का फंदा अपने गले में डालकर माँ बहन छोटे भाई के लिए जीने का इंतजाम कर दूँ। मैंने तो उस लिफाफे पे भी माँ का नाम लिखा। लेकिन ये तो खुदकुशी है रवि। जिस वक्त मैंने ये फैसला किया था नीला, उस वक्त ये खुदकुशी मरने का एक दूसरा तरीका था। लेकिन हाँ, अब ये खुदकुशी है और मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता रानी। मैं अपना बयान बदलना चाहता हूँ। तुम अपील करो, मैं अदालत में सारा सच बताने को तैयार हूँ। रवि, तुम समझते नहीं, जुर्म तुम पर साबित हो चुका है, अदालत तुम्हें मुलजिम मान चुकी है। सिर्फ तुम्हारे बयान बदलने से क्या होगा, कोई सच नहीं मानेगा। तुम भी नहीं राने? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन कानून किसी का दोस्त नहीं। इसे तुम्हारी बेगुनाही मानने के लिए तुम्हारे अपने बयान के सिवा गवाहों सबूत की जरूरत होगी। सबूत तो वह बंद लिफाफा है जो तुम्हारे पास है। अगर मेरे सिवा किसी और ने वो लिफाफा भेजा होता तो मुझे कैसे मालूम पड़ता उसके अंदर किसका नाम है? ये सबूत हो सकता था, लेकिन तुमने मुझे अपना सॉलिसिटर बनना की गलती। अदालत में सरकारी वकील पहली बात यह कहेगा कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ और अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने वो लिफाफा बदल दिया है, जिसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूं? खामोश रहूं, फांसी पर चढ़ जाऊं उस जुर्म के लिए जो मैंने नहीं किसी और ने किया? There you are. ये जुर्म तुमने नहीं किसी और ने किया है, लेकिन वो कौन है?
अगर सुरेंद्र सिन्हा के असली खूनी का पता लग जाए तो तुम बेकसूर साबित हो सकते हो। बस यही एक तरकीब है। क्या बात कर रहे हो रानी, हम भला कहां उसे। एक्सक्यूज मी, अब काफी टाइम हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब जरा दो मिनट। आई एम सॉरी, अब तो हॉस्पिटल के विजिटिंग आवर्स भी खत्म हो चुके हैं। आओ नीचे। रानी, तो क्या आप कुछ नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं देखता हूं कि कुछ ना कुछ। रवि, मैं इतना वादा करता हूं कि जो भी मेरे बस में है मैं जरूर करूंगा। चलो अभी क्या बिल ले जाता हूँ। सिस्टर मैं अभी आया दीजिए, स्टेशन निकालना है। Thank you.
जाने। डॉक्टर्स नर्सेस ड्राइवर सब का बयान ले लो। कैसे निकल गया वो? सारंग, यस सर। कंट्रोल रूम को ऑर्डर कर दो कि रवि की शक्ल सूरत राहुल या फॉर्म क्रैश कर दिया जाए अभी इसी वक्त। यस सर। कुलकर्णी, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन सब जगह पुलिस के आदमी होने चाहिए। रवि के घर पे उसके दोस्त, उसके जानने वाले सब जगह कड़ी निगरानी रखो। फोन अटेंड कीजिए, देखिए किसका फोन है। प्लीज मिस नीला। घबराइए नहीं, फोन अटेंड कीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो नीला, मैं रवि बोल रहा हूँ। देखो पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। मैं होटल गेलैंड में हूँ, रूम नंबर 10। तुम फौरन यहाँ चले आओ। ओके, बाय। किसका फोन था? थैंक यू मिस नीला। थैंक यू मिस राजमार्श। मैं वहां से भाग निकला। नीला,
ना जाने क्यों लेकिन मैं वहां से भाग निकला। पुलिस मुझे जगह जगह ढूंढ रही है। सोचा तुमसे मिलता चलो, न जाने फिर कब मिलेंगे। नहीं रवि, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकती, कभी नहीं। मैं तुम्हें, चलो हम यहां से भाग चले। कहां पता नहीं। मिस्टर खुराना, आप इसी को जिम्मेदारी से काम करना कहते हैं? मुजरिम आपके हाथों में आकर निकल गया और आपने निकल जाने दिया। गलती जरूर हुई है लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से नहीं। एनीवे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगता है आपकी पूरी कोशिश काफी नहीं, अभी तक तो उसका कोई पता नहीं चला। मिस्टर सिन्हा, दुनिया में अभी तक कोई मुजरिम ऐसा पैदा नहीं हुआ जो देर या सवेर पकड़ा ना गया हो। पुलिस के हाथों से बहुत देर तक कोई बच नहीं सकता। मैं जरा पढ़ सकती हूँ? अच्छा ले, थैंक यू, इट्स ऑल राइट। क्या बात है नीना? अब हमारा यहाँ भी रहना मुश्किल हो गया। रवि तुम लंच कर लो वरना लोगों को शक हो जाएगा, हम शाम होते ही यहाँ से चल जाएंगे। बैठो। सलाम साहब। सलाम, जो सब ठीक है ना? जी हाँ, मेहरबानी है आपकी। हमारा कॉटेज खाली है? वो तो साहब हम किसी को किराए पर देते ही नहीं। आप क्या पियेंगे साहब? क्या पियोगे? I don't mind coke. Coke? दो coke. अभी भिजवाता हूँ साहब। ये जो आदमी अभी अभी आया है मुझे पहचान सकता है। तुम्हें ही घर में आता हूँ। नाइस गर्ल। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा जी, मैं ये पेपर देख सकता हूँ? जी। थैंक यू वेरी मच। क्या देख रहे हो? अरे इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कौन है ये? कोई रवि खन्ना है, मर्डर किया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। 5 लाख रुपए का इनाम है। तुम्हें क्या करना है 5 लाख रुपए? तुम्हारी बीवी का पैसा कमती है क्या? अरे मेरी बीवी से जो पैसा मुझे मिलता है वो तुम जैसी लड़कियों काम आ जाता है, मेरे पास क्या बचता है? डार्लिंग। लोगों को आ गया, तुम पियो, मैं जरा हाथ में धोकर आता हूँ। मैं भी आया। एक्सक्यूज मी, I'm sorry. It's all right. सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। तुम जैसे लोगों के लिए डालेंगे जगह बहुत अच्छी है। अरे मेरी जान, हमारे लिए तो जहाँ तुम हो वहाँ। अरे साला सोडा नहीं आया अभी तक, रूम सर्विस भी कमाल है।
आ गया साला। आ गया। आ भैया। कौन हो तुम? क्या चाहते हैं? मैं आपको और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए किसी तारुफ की जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा मैडम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे मिस्टर महिपत राय से कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक शरीफ आदमी। ये होटल का कमरा, ये बिस्तर पे लड़की, ये शराब की बोतल, ये शरीफ आदमियों के काम है। आपकी बीवी को मालूम है कि आप कहाँ हैं? कितने रुपए चाहिए आपको? अपने रुपए संभाल के रखिएगा, मिस्टर महिपत राय मैडम के काम आएंगे। बैठिए, बैठ जाइए। एक बात समझ में नहीं आई, एक करोड़पति औरत के पति होकर क्या जरूरत थी कि वो 5 लाख रुपए के लिए किसी का खून कर दें? खून? नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर ये अंगूठी कहां से आई आपके पास? अरे ये तो मेरी अंगूठी। मैडम, अगर आप भागी या आपने शोर मचाने की कोशिश की तो मिस्टर महिपत राय की बदनामी हो सकती है, और मिस्टर महिपत राय एक शरीफ आदमी है। मैं तो बैठी हूं। हाँ, तो ये अंगूठी आपकी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंगूठी आपको कहां से मिली? क्यों, क्या बात है? देखिए मिस्टर महिपत राय, अगर आप मेरे सवालों का जवाब देते रहे तो आपको कोई खतरा नहीं है, वरना मैं आपको जीने नहीं दूंगा। मैंने मैंने अंगूठी खरीदी है। अच्छा, तो आपने अंगूठी खरीदी है? जी। बेची किसने? प्रकाश, प्रकाश ने दी है। प्रकाश? कौन है वो? प्रकाश पेड्रो रोड पर उसकी क्यूरियस की दुकान है, वो अक्सर मेरे घर पर तरह तरह चीजें लेकर आता है, जैसे कि लैंप, फानूस, कोई मूर्ति। इस बार वो ये अंगूठी लेकर आया, मुझे पसंद आई, मैंने खरीद ली। क्यों? आपको अच्छी तरह याद है? हाँ हाँ, प्रकाश ने मुझे अंगूठी बेची थी। ठीक है, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अंगूठी अपने पास रखना चाहता हूँ। थैंक यू। और देखिए मिस्टर महिपत राय, अगर मेरे जाने के बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो याद रखिएगा, मैं तो फांसी के तख्ते पर हूंगा, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं मिसेज महिपत राय को आज की मुलाकात और इस मैडम के बारे में बता दूं। नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी पुलिस को इन्फॉर्म करने की, मैं तो एक इज्जतदार शादीशुदा आदमी हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिएगा, वरना ना तो आप इज्जतदार रहेंगे और ना ही शादीशुदा। मिस्टर प्रकाश, फरमाइए। बिजनेस की बात करनी है। कीजिए। क्या यहीं पर? किसे भेजा तुमको? ये बेकार की बात करनी हो तो मैं कहीं और जाऊं, वैसे मैंने सुना था कि आप कीमत अच्छी देते हैं, इसलिए चला है। सुनो, बोलो क्या बिजनेस की बात करनी है? कितने दे सकते हैं? तुम्हें किस मस्करे ने कहा कि मैं ये सब खरीदता हूं? ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाओ। दरअसल आजकल इस धंधे में ये नहीं पता लगता है कि कौन पुलिस का आदमी है कौन क्या है, कुछ पता नहीं चलता, रिस्क बहुत बढ़ गया है ना। कितने दे सकते हो? सब मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं चलेगा। गुड। और ये अंगूठी कितने की है? हाँ, तुमने बताया नहीं ये अंगूठी कितने की है। कौन हो तुम? मैं वो हूँ प्रकाश, जो तुम्हारी वजह से फांसी चढ़ने वाला हूँ।
उस खून के लिए जो तुमने किया है। मैंने कोई खून नहीं किया। किया है जिसकी जगह उठी उसका खून किया तुमने। वो तो कह रहा था उसे सिर्फ पिस्तौल दिखा कर। कौन कह रहा था? मैंने जानता। कौन कह रहा था? अगर मैंने उसका नाम बताया वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पोटी पोटी कर दूंगा हरामजादे। किसने दी ये अंगूठी तुम्हें? बोल, बोल किसने दी ये अंगूठी तुम्हें? बोल। माइकल ने। कौन माइकल? ज़्यादा प्रोफेशनल चोर है, लेकिन उसने मुझे खून के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो तो कह रहा था उसने पिस्तौल दिखाकर अंगूठी छीन ली थी। ज़्यादा हरामी, मैं जानता था वो एक दिन किसी न किसी का खून जरूर करेगा। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं कसम से ये अंगूठी मैं फोकट भी नहीं लेता। किसका खून किया उसने? ये माइकल कहाँ मिलेगा? यहाँ से थोड़ी दूर राजा का अड्डा है, दारू पी रहा होगा। देख प्रकाश, मुझ पर एक खून का इल्जाम है। अगर तुमने मेरे बारे में किसी के सामने अपनी जुबान खोली तो याद रखना, एक खून की सजा फांसी और दो खून की सजा भी सिर्फ फांसी। साला माइकल। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे शीशीए किते करता ऐसा काए को होता, शीशीए किते करता ऐसा काए को होता। देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे हाँ भाई सजाएबा लल्ला लल्ला लल्ला, हे हाँ भाई सजाएबा लल्ला लल्ला लल्ला। जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, अपने व्यवस्थाद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे हाँ कोई सजाएगा लल्ला लल्ला लल्ला, हे हाँ कोई सजाएगा लल्ला लल्ला लल्ला। Thank you.
फा मी रे रे मी फा मी ला मी 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 रे दो सी ला साल महीने के लिए खाने पीने के लिए अरे साल महीने के लिए खाने पीने के लिए कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है हे अब जाएगा ला 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 हे अब जाएगा ला 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 दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है हे हाँ भाई सर हे ला 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 हे हाँ भाई सर अरे ला 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 हे हाँ भाई सर हे ला 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 हे हाँ भाई सर ला 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 माइकल मैं तुमसे ढूंढ रहा था मगर क्यों इसलिए कि कोई तुमको ढूंढ रहा है मुझे कौन माइकल डिसोजा तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि सुरेंद्र सिन्हा को तुमने कैसे किडनैप किया कहां उन्हें रखा और कैसे उनका खून किया माइकल मैं सब कुछ जानना चाहता हूं मुझे आज तक किसी का खून करने की जरूरत ही नहीं पड़ी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं माइकल जिस रात सुरेंद्र सिन्हा का खून हुआ उस रात उसके हाथ में ये अंगूठी ये वही अंगूठी है जो तुमने प्रकाश को बेची और प्रकाश ने इसे जिस आदमी के हाथ में ये अंगूठी थी उसका खून हो गया हाँ उसका खून हो गया तो समझा मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो सुनो
मैं कुछ बता सकता हूं। अगर पूछना चाहते हो तो पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस दे। गुड। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। और अगर मैं गोली चला देता? तुम गोली चला ही नहीं सकते थे क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने सुरेंद्र सिन्हा का खून नहीं किया, इसलिए कि अगर यह अंगूठी सुरेंद्र सिन्हा की है तो मैंने असली खूनी को देखा है। कहां देखा उसे? बहुत बारिश हो चुकी थी उस रात। मैंने दो ड्रम उठाकर सड़क के बीच में रख दिए ताकि कोई भी ड्राइवर आए वो उसको देखकर गाड़ी को रोक ले। इतने में दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई और मैं अपना खाली रिवॉल्वर लेकर तैयार हो गया। ड्रम्स को देखकर ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। जैसे ही गाड़ी रुकी मैंने लपक कर रिवॉल्वर गाड़ी चलाने वाले की कनपट्टी पर रख दिया, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं क्योंकि वो स्लीपिंग सूट में था। मैंने देखा कि पीछे की सीट पर एक आदमी लेटा हुआ है। गाड़ी चलाने वाले ने कहा कि वो उसका दोस्त है जो कि सख्त बीमार है और उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। मैंने कहा इसके पास तो कुछ होगा। गाड़ी चलाने वाले ने पलटकर उसके हाथ से यह अंगूठी निकालकर मुझे दी। मैंने रिवॉल्वर हटा लिया और वो गाड़ी लेकर चला गया। समझे? अच्छी तरह। जो आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा था वो कोई बीमार नहीं सुरेंद्र सिन्हा था और वो मर चुका था। और जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो स्लीपिंग सूट पहने हुए वही सुरेंद्र सिन्हा का खूनी था। मैं एक बार जिस आदमी की शक्ल देख लूं वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं उस आदमी को लाखों में पहचान सकता हूं। माइकल अगर तुम चाहो तो 5 लाख रुपए कमा सकते हो। खूनी पे 5 लाख रुपए का इनाम है। 5 लाख? हाँ, और अगर तुम चाहो तो ये अंगूठी भी अपने पास रख सकते हो। हो सकता है वो आदमी तुम्हें फिर मिल जाए। मैं एक दो रोज में फिर यहाँ आता हूँ। सुनो, तुम यहाँ नहीं आना। अगर किसी ने पहचान लिया तो पकड़े जाओगे। मैं सुबह और शाम प्रकाश की दुकान पर होता हूँ। उसका टेलीफोन नंबर तुम डायरेक्टरी में देख सकते हो। ओके। माइकल, सुना है चोरों के भी कुछ असूल होते हैं। तुमने ठीक ही सुना है, चोरों के ही तो असूल होते हैं। हाय माइकल, ये 5 लाख रुपए का इनाम उस आदमी के ऊपर नहीं है जिसको तुमने एक बार स्लीपिंग सूट पहनकर देखा था। अब 5 लाख रुपए का इनाम तो उस पर है जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है और जो अदालत में सुरेंद्र सिन्हा का खूनी साबित हो चुका है। समझे? तुम चाहते हो एक बेकसूर आदमी को मैं 5 लाख रुपए में बेच दूं? अरे 5 लाख में तो मैं अपने बाप को बेच दूं? जरा सोचो माइकल, 5 लाख रुपए? अरे सारी जिंदगी पड़ी है शराफत दिखाने के लिए, एक बार माल तो अंदर आने दो। ये चोरी की जिंदगी, ये पुलिस का डर, हर रात अंधेरे में शिकार ढूंढना, सब खत्म हो जाएगा माइकल। एक बेगुनाह को फांसी चढ़ाकर? हाँ, खत्म तो हो जाएगा लेकिन। अरे ये जितने अमीर आदमी है सब ने कभी ना कभी किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाया होगा। अगर ऐसा कौन सा माइकल लाल है जिसने शराफत से पैसे बनाए हैं, मुझे नाम तो बताओ। माइकल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं मेरे यार, ये सुनहरी मौका हाथ से मत खोने दो। जाओ सुरेंद्र सिन्हा के भाई से जाकर सौदा कर लो। मैं मिस्टर नरेंद्र सिन्हा से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर सिन्हा इस वक्त बिजी है, आप फिर कभी। सुनो, उनसे कहो कि मैं उनको उनके भाई के खूनी तक पहुंचा सकता हूं। जी जी जी, आप बैठिए, मैं उन्हें भेज देती हूं। जी बैठिए। आप मुझसे मिलना चाहते हैं? आप
गाड़ी चलाई तो गोली मार दूंगा। काट नीचे, माल निकाल। मैं नरेंद्र सिन्हा हूं। आप जानते हैं मेरे भाई का खूनी कहां है? सुरेंद्र सिन्हा का खूनी मेरी आंखों के सामने है। क्या क्या बकवास करते हो? कौन हो तुम? सिन्हा साहब, आप मुझे भूल गए, लेकिन ये अंगूठी तो पहचानते होंगे। मैं वही आदमी हूं जिसे उस रात आपने ये तोहफा दिया था। मानते हैं दोस्त, आदमी चालाक, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी समझ में सब कुछ आता जा रहा है। तुमने खुद अपने भाई का खून किया और उस किलाश को यहां से दूर ले जाकर एक कटर में छोड़ दिया। पुलिस को तुम पर शक ना, इसलिए दूसरे दिन तुम एक खत लेकर पुलिस के पास पहुंचे जिसमें लिखा था कि तुम्हारे भाई को कोई उठाकर ले गया है और अगर तुमने 5 लाख रुपए ना दिया तो तुम्हारे भाई का खून कर दिया जाएगा। अलबत्ता यह बात और है कि वो खत भी तुमने ही लिखवाया था। तुमने पुलिस को कहा कि अपने भाई को बचाने के लिए तुम 5 लाख रुपए उन बदमाशों को देने के लिए तैयार। बस फिर तुम पर कौन शक करता? पुलिस उन बदमाशों का पता लगाती रही, लेकिन अगर कोई होता तो मिलता। उसके बाद एक दिन तुम्हारे भाई की लाश मिल गई और यह दिखाने के लिए कि तुम्हें अपने भाई की मौत का कितना गम है, तुमने अपने भाई के खूनी को पकड़वाने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। और इस 5 लाख रुपए के वास्ते रवि ना जाने किस मजबूरी की वजह से तुम्हारे भाई का खून अपने सर ले लिया। बस फिर तुम्हें क्या चाहिए था? सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक जगह पर किस्मत तुम्हें धोखा दे गई। तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, और वो भी किस वक्त, जबकि तुम अपने प्यारे भाई की लाश रात के अंधेरे में कहीं दूर छोड़ने जा रहे थे। चुप रहो। सुनो, तुम कहो तो जिंदगी भर के लिए चुप हो जाओ। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, 7.5 लाख। 7.5 लाख? हाँ, 2.5 लाख रुपया चुप रहने का, 5 लाख तो तुम अपने भाई के खूनी को पकड़वाने का कह ही चुके, और ये काम मैं कर सकता हूं। रवि, जिस पर के तुम्हारे भाई का खून साबित हो चुका है, असली खूनी की तलाश में, और जब तक रवि फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ जाता तुम इत्मीनान का सांस नहीं ले सकते। रवि को मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं, और इन दोनों कामों के लिए 7.5 लाख रुपए की रकम कोई खास बात नहीं है। कल तुम्हें 7.5 लाख रुपए पहुंचाएगा, लेकिन एक शर्त, मुझे रवि चाहिए। सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले, लेकिन ये सौदा कहां होगा वो जगह मैं बताऊंगा। कसारा घाट से पहले एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करने के बाद दाहिने हाथ को एक कच्चा रास्ता जाता है। गाड़ी को तुम मेन रोड पर छोड़ोगे और उस कच्चे रास्ते से अंदर आ जाओगे। वहां एक नदी के किनारे तुम्हें एक टूटा फूटा कॉटेज मिलेगा। कल 11 बजे वहीं। ठीक है, गुड। और सुनो, एक बात का ख्याल रखना कि तुम सिर्फ 7.5 लाख रुपए लेकर आओगे और कुछ नहीं। नो रिवॉल्वर, नो पिस्टल, समझ गए ना? समझ गया। गुड, तो कल मैं 11 बजे तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। मुझे शर्म नहीं आती मुझे भाई कहते हुए। तू समझता था कि मैं बेवकूफ हूं, अंधा हूं? नहीं नरेंद्र, कई दिनों से मुझे तुम दोनों पे शक था, और यही मालूम करने के लिए मैंने दिल्ली जाने का बहाना किया कि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं। मैं जलील औरत से शादी करना चाहता था, ये मेरी बेवकूफी थी, अंधापन था मेरा, लेकिन तू तो मेरा भाई है। भाई सब, प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा तो मैं हूं कि तुझ जैसे कमीने को जो भूखों मर रहा था, फुटपाथ पे था, उठाकर घर ले आया। अगर तेरी जगह मैं किसी कुत्ते को ले आता तो शायद उसमें कुछ वफादारी होती। भाई सब, मैं पे तेरा भाई नहीं, ना ही ये तेरा घर है, निकल जाइए। तुम कमीने हो, तुम जलील हो। आ,
नरेंद्र क्या बात है, क्या हुआ? मोना, इस आदमी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ओह गॉड, अब क्या होगा? मोना, जिस तरह एक झूठ सौ झूठ बुलवाता है, उसी तरह एक खून सौ खून करवाता है। तो क्या इससे भी? हाँ मोना, लेकिन कैसे? वो बहुत चालाक आदमी है। उसने मुझे पहले ही वार्निंग दी है कि कल 11 बजे अपने साथ कोई रिवॉल्वर या पिस्तौल लेके मत आना। मगर नरेंद्र, रिवॉल्वर 11 बजे नहीं, इससे पहले तो जा सकते हैं। तुम ठीक कहती हो, रिवॉल्वर से पहले भी जा सकता है। माइकल से बात करना चाहता हूं। हाँ, उसी का फोन है। लाओ। हेलो, मैं माइकल बोल रहा हूं। जिस आदमी की तुम्हें तलाश थी वो मिल गया है। क्या माइकल, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन माइकल, मुझे ये तो बता दो कि वो आदमी कौन है। आप खुद ही आकर देख लेना, जगह तो समझ गए ना। ठीक 11 बजे। बाय प्रकाश। यार तुम कर क्या रहे हो? इसको भी बुला रहे हो, उसको भी बुला रहे हो। ठीक तो है, मैंने रवि से वायदा किया था कि उसे असली खूनी तक पहुंचा दूंगा, और खूनी से वायदा किया था कि उसे रवि तक पहुंचा दूंगा। आज मेरे दोनों वायदे पूरे हो जाएंगे और मुझे 7.5 लाख रुपया मिल जाएगा। 7.5 लाख? भाई कैसे लगते होंगे 7.5 लाख देखने में? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक सवाल मुझे बार बार सता रहा है। मैं जानता हूं कि सिन्हा का असली कातिल उसका अपना भाई है, फिर रवि ने कोर्ट में ये इल्जाम अपने सर क्यों लिया, किस लिए? अरे होगी कोई साले की मजबूरी, हमको उससे क्या करना माइकल, हमको तो अपने 7.5 लाख से मतलब है। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ कैसे दूं? चोर हूं ना, दूसरों की जेबों में, दूसरों के घरों में, दूसरों की जिंदगी में छांकने की आदत जो पड़ गई है। सुनो, कहीं से रवि के घर का पता मिल सकता है? किससे मिलना चाहते हैं आप? मैं रवि का दोस्त हूँ। रवि के दोस्त? अच्छा अच्छा, बैठो बेटा। थैंक यू। मैं रवि की माँ हूँ, ये रवि का छोटा भाई है, और ये बहन रेनू, ये रवि के दोस्त है जी। पहले कभी आप? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं ईस्ट अफ्रीका में रहता हूँ। मेरा नाम है माइकल डिसोजा। रवि मेरा बहुत पुराना दोस्त है, एक मुद्दत के बाद यहाँ आया था और कल ही वापस जा रहा हूँ। अच्छा, शायद इसीलिए तुम्हें मालूम नहीं कि रवि को। माँ, तुम भी? भला इन्हें कैसे पता होगा कि भैया ऑफिस से कब वापस आते हैं? वैसे तो वो हर रोज जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज ट्यूजडे है ना, ट्यूजडे को वो काफी देर से आते हैं, उनकी नाइट ड्यूटी होती है ट्यूजडे को। वैसे आप बैठिए बैठिए, चाय वाय पीजिए, लेकिन भैया का तो कोई भरोसा नहीं, और फिर कल आप जा भी रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे।
माँ इन्हें कुछ आप चाय वाय पिलाइए ना माइकल भैया को, वरना भैया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि मैं नहीं था तो तुम लोगों ने उन्हें चाय तक नहीं पिलाई। वैसे तो भैया कभी नाराज नहीं होते, मैं ही उनके साथ लड़ती रहती हूँ। वो तो बेचारे दिन भर के थके हारे घर लौटते हैं और आते ही वो कुछ ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि हम सब हंसते हैं। सच्ची हम तो बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, हंसते हैं। मत रो दीदी प्लीज, मत रो दीदी। मत रो, मैं माइकल डिसोजा जीसस क्राइस्ट की कसम खाता हूं कि तुम्हारा भाई फिर घर वापस आएगा और तुम लोग एक बार फिर पहले की तरह हंसोगे। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो वहां कुछ भी हो सकता है। जानती हूँ रवि, इसलिए तो तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ओहो नीला प्लीज, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। रवि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। माइकल मान गए दोस्त, ठीक 11 बजे। रवि कहाँ है? अभी आता ही होगा, माल लाए। हाँ पूरा है, देख लो। पेट तिजोरी में रखा था, लाओ। नहीं तुमने कहा तो सौदा नक्त होगा, एक हाथ दे एक हाथ ले। जिससे मिलना है वो अंदर है, आओ मिला दू। खून नहीं किया, अगर तुम अपनी जगह से हिले तो आज करना पड़ेगा। रवि आओ। माइकल, रवि सुरेंद्र सिन्हा का खूनी उसका अपना भाई है, ये नरेंद्र सिन्हा, और उसकी गवाही सिर्फ मैं दे सकता हूँ। माइकल मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, अभी हॉस्पिटल। नहीं नहीं रवि, अब मेरा यहाँ से उठना मुश्किल है। साले ने 3 गोलियां मारी हैं मेरे पेट में, अंतड़ियों का कचूमर बन गया है, अब मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं मर गया तो समझो तुम भी मर गए। तुम्हें डॉक्टर को यही लाना होगा, जब तक मैं जिंदा हूं
इस हरामी को यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। लेकिन माइकल, यहाँ से डॉक्टर मीलों दूर है, इस बीच अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं रवि, जाओ जल्दी जाओ। रवि तुम जल्दी से जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। जाओ ना रवि, प्लीज गो, जाओ ना रवि। गो मैन गो, फॉर क्राइस्ट सेक गो। कर सकती हो? हाँ। जाने दो, ठहर ठहर, मैंने जुराबे पहन रखी है। तो इसमें जेब में है, निकालो जेब में। Yeah!
डॉक्टर साहब आपका चलिए मेरे साथ। लेकिन किसी की जान खतरे में डॉक्टर साहब चलिए। इतना पसीना क्यों आ रहा है? बाहर से बंद कर दो और तुम उस दरवाजे से आ जाओ। सुना नहीं तुमने? सुनो, मुझे खींच कर उस दरवाजे तक ले चलो। अच्छा। कुर्सी खींचो।
ये दरवाजा बाहर से बंद कर दो और तुम भाग जाओ। नहीं माइकल, नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो भी आता ही होगा माइकल, वो भी आता ही होगा। नहीं, अब वो शायद वक्त पर ना आ सके। वो आएगा माइकल, वो भी आएगा। नहीं, तुम चली जाओ, जाओ। जाओ, जाओ। डॉक्टर आ गया, ये लीजिए डॉक्टर। माइकल, माइकल, माइकल। आसानी से तुझे मौत नहीं आने वाली नरेंद्र सिन्हा, तुझे तो जेल की काली कोठरी में मौत का इंतजार करना पड़ेगा। रवि, पुलिस आ जाएगी, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर रवि, मुझे तो शायद भगवान भी माफ न करे। सुनो तुम लोग, ये क्या हो रहा है? अफसर, ये आदमी, ये प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं अपना बयान देना चाहता हूं। मिस्टर रवि, माइकल ने अपना बयान दे दिया है, जो कोर्ट में तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए हेल्प करेगा, वो तुमसे मिलना चाहता है, जल्दी जाओ उसके पास, वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। हरिया हाउ ना रेडियो से कम ऑन यू। माइकल, 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 तुम घबराना मत माइकल, घबराना मत माइकल, मौत से नहीं घबराता, मौत माइकल से घबरा रही है, इसीलिए आने में लेट हो रही है। माइकल, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? कोई भी काम हो माइकल, मुझे बोलो, बोलो माइकल। रवि, मेरे दिल में हमेशा खोट रहा, लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गया, मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे खैर छोड़ो इन बातों को। तुम लोग एक बार फिर हंसोगे, एक बार माइकल, माइकल। मैं माइकल डिसोजा, जीसस क्राइस्ट की कसम खाता हूं कि तुम्हारा भाई फिर घर वापस आएगा और तुम लोग एक बार फिर पहले की तरह हंसोगे। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी, गम न कर जिंदगी यूं
गुजर जाएगी।